हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर 7 लास्ट लेक्चर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री का। इस लेक्चर में हमारा जो एजेंडा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी पढ़ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना, और साथ में हम एम्पेरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेशन सीखेंगे। तो तीन चीजें सीखेंगे हम लोग यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेशन एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, आइए पहली चीज देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। बच्चों, डेंसिटी जो होती है वो दो तरह की होती है। डेंसिटी दो तरह की होती है, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरी रिलेटिव डेंसिटी। आपने देखा होगा स्कूल में आपके मार्क्स आते हैं, आप कई तरीके से बोलते हैं, मेरे 85% है, वो आपके एब्सोल्यूट मार्क्स हो गए। जब आप कहते हैं मेरे टॉपर से 5% कम है, तो वो आपके रिलेटिव मार्क्स हो गए। ठीक है, जब आप किसी के रेस्पेक्ट में कोई चीज रिपोर्ट करते हैं तो उसे रिलेटिव कहते हैं, और अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं तो उसे आप एब्सोल्यूट कहते हैं। एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी दो तरह की होती है, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए हम अक्सर रिलेटिव डेंसिटी को एक नया नाम से पुकारते हैं, है ना। रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। गैसेस के लिए रिलेटिव डेंसिटी को हम नया नाम देते हैं, कहते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी। आइए एक एक करके इन चीजों को देखते हैं। पहले एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट डेंसिटी को आप अक्सर केमिस्ट्री में डी या रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, रो या डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम, जिसका मास उसी का वॉल्यूम। ठीक है ना, यूनिट में कई बार मास बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ में भी आ जाता है, पर वहां मास सॉल्यूट का होता है और वॉल्यूम सॉल्यूशन का होता है। ठीक है, तो जिसका मास उसी का वॉल्यूम, इसको एब्सोल्यूट डेंसिटी कहते हैं। एब्सोल्यूट डेंसिटी की कई यूनिट्स हो सकती हैं। ठीक है ना, केमिस्ट्री में सबसे प्रैक्टिकल यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, या ग्राम पर ml कहते हैं, या ग्राम पर cc, एक ही बात है तीनों यूनिट्स के मामले में। और भी यूनिट्स हो सकती हैं ना, आप kg पर मीटर क्यूब, इसकी SI यूनिट हो जाएगी, है ना। आप ग्राम पर लीटर में भी डेंसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये एब्सोल्यूट डेंसिटी हो गई। रिलेटिव डेंसिटी की बात की जाए, रिलेटिव डेंसिटी वो डेंसिटी होती है जो किसी के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है। रिलेटिव डेंसिटी, किसी की तुलना में जो डेंसिटी निकाली जाए वो रिलेटिव डेंसिटी कही जाती है। पहले इसमें मैं उठा रहा हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है इसको भी समझा जाए। स्पेसिफिक ग्रेविटी को अक्सर एस से लिखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ, ये वर्ड हम अक्सर सॉलिड और लिक्विड के लिए ही एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी को रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वॉटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसको आप रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। क्यों 4 डिग्री सेल्सियस? पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, और जितनी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है एग्जैक्ट। ठीक है ना, इसके पीछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजंस होते हैं, है ना। शुरुआत में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आइस आइस जब मेल्ट होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो केज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कोलैप्स करते हैं, तो डेंसिटी बढ़ती जाती है। गर्म करने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होता जाता है और, है ना, डेंसिटी बढ़ती जाती है। लेकिन 4 डिग्री के बाद सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स खत्म हो जाते हैं जो आइस के थे, और केज लाइक स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और 4 डिग्री के बाद पानी जो है एक्सपैंड करने लगता है, तो फिर उसकी डेंसिटी जो है कम हो जाती है, होने लगती है। तो इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है और एग्जैक्टली 1 ग्राम पर ml हो जाती है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 ग्राम पर ml। यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस
इज इक्वल्स टू एस इंटू 1 ग्राम पर ml, s इंटू 1 इज s, s महज एक नंबर है, आखिर ये ग्राम पर ml होगा, कट गया होगा यूनिट, यानी s एक रेशियो है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज सेम नंबर। सो मुझे अभी पता चला कि किसी सब्सटेंस की डेंसिटी जो होती है वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के सामने ग्राम पर ml लिखकर आ जाती है, ठीक है। यानी अगर तो क्वेश्चंस में अक्सर डेंसिटी डायरेक्ट ना देके आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देंगे कि किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी ये है, तो आप तुरंत समझ जाएगा कि जितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है उसके सामने ग्राम पर एमएल लिख देने से आपको उस सब्सटेंस की डेंसिटी मिल जाएगी। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल इज 0.8, ठीक है, पेट्रोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, तो आप समझ जाइए कि डेंसिटी ऑफ पेट्रोल जो हो जाएगा वो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 0.8 ग्राम पर एमएल हो जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या, ये तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइंड है सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए, गैसेस के लिए क्या डिफाइंड है देखा जाए। गैसेस के लिए रिलेटिव डेंसिटी को हम वेपर डेंसिटी कहते हैं, वेपर डेंसिटी कहा जाता है, आइए उसको भी सीखते हैं। बी वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी अक्सर गैसेस के लिए डिफाइन की जाती है। वेपर डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ एनी गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। शर्त क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों गैस का सेम होना चाहिए, मतलब इसका प्रेशर और इसका प्रेशर सेम होना चाहिए, इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। दो गैसेस के डेंसिटी का रेशियो जब उनके प्रेशर और टेम्परेचर एक जैसे हों उनको हम वेपर डेंसिटी कहते हैं। आइए इसके डिटेल में जाते हैं, आखिर निकल कर क्या आता है। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं वेपर डेंसिटी मींस मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, ऐसे याद कर लेते हैं स्कूल से, ठीक है। नहीं, वेपर डेंसिटी का यही रियल डेफिनेशन है, वेपर डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ एनी गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस अंडर सिमिलर कंडीशंस। नाउ वी नो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये हम जानते हैं, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन है। PV is equals to moles को क्या लिख सकते हैं हम, weight upon molecular weight into RT, इसको cross multiply कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा PM is equals to W by V RT, weight by volume को आप क्या लिख सकते हैं, density, PM is equals to rho RT, rho is equals to PM upon RT, ठीक है, PM upon RT। तो मुझे चीज पता चली कि गैस की जो डेंसिटी है वो पी एम अपॉन आर टी, पी प्रेशर, एम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, एन टी इज टेम्परेचर। तो एक काम करते हैं, वेपर डेंसिटी जो है मैं इसको रखते हैं, है ना, इसको अगर मैं इक्वेशन वन कह रहा हूं तो आप इस डेंसिटी की वैल्यूज इस इक्वेशन वन में रखिए। क्या लिखेंगे, किसी भी गैस की जो वेपर डेंसिटी होगी वो उस गैस का प्रेशर, उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आर टी हो जाएगी, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस के लिए कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर इनटू हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आरटी, ठीक है, आरटी आरटी गेट्स कैंसल्ड, पी एंड पी गेट्स कैंसल्ड, सो वेपर डेंसिटी क्या निकल के आया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस डिवाइड बाय 2। तो अक्सर बच्चे इसी को याद रख लेते हैं जो कोर आइडिया भूल जाते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको कोर आइडिया पता होना चाहिए। वेपर डेंसिटी एक रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, गैसेस के लिए यूज होती है, और कोई भी गैस की डेंसिटी अगर आप हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इट्स कॉल्ड वेपर डेंसिटी। हाँ, ये अलग बात है कि वेपर डेंसिटी निकल कर कितना आता है, वेपर डेंसिटी आता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस डिवाइड बाई 2। ये 2 कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, ये 2 एक्चुअली हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है जिसके रेस्पेक्ट में वेपर डेंसिटी कैलकुलेट की गई है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन साथ मैंने देखे हैं जिसमें दे फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए विद रिस्पेक्ट टू गैस बी। इसका क्या मतलब हो गया, जहां पे दिया नहीं है किसके रेस्पेक्ट में है, तो आप समझ जाइए हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में है, लेकिन अगर दिया है, अगर दिया हुआ है कि किसके रेस्पेक्ट में है, फिर आप उसी के रेस्पेक्ट में निकालिए। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए विद रिस्पेक्ट टू गैस बी का मतलब हो गया डेंसिटी ऑफ ए बाय डेंसिटी ऑफ बी। आप जानते हैं फिर ऐसे ही करेंगे, पीएम अपॉन आरटी लिखेंगे, पीएमए अपॉन आरटी, एंड दिस इज लाइक पीएमबी अपॉन आर टी, आर टी आर टी गेट्स कैंसल्ड, पी एन पी गेट्स कैंसल्ड, ये निकल के आएगा क्या, एम ए बाई एम बी। तो फिर वही चीज सीखा, वेपर डेंसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए
बाई डेंसिटी ऑफ बी या एम ए अपॉन एम बी। तो ये एक फॉर्मूला, एक और चीज निकल के आई है कि कभी आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एनकाउंटर कर सकते हैं, जिसमें है ना वेपर डेंसिटी हाइड्रोजन के गैस के रेस्पेक्ट में ना हो के किसी और गैस के रेस्पेक्ट में हो, तो भी आप फंसेंगे नहीं, आप यही यही फंडा लगा देंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ ओजोन गैस, फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ ओजोन गैस आ जाएगा बड़े आराम से। वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस डिवाइड बाय टू। देखिए यहां पे दिया नहीं है किस गैस के रेस्पेक्ट में निकालनी है वेपर डेंसिटी, तो जब दिया ना हो कि किस गैस के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो आप हमेशा उसको हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 16 × 3 48 डिवाइड बाई टू कितना आ जाएगा ये 24। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी ऑफ द ओजोन गैस इज 24। इसका क्या मीनिंग निकलना चाहिए कि ओजोन गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस से 24 टाइम्स डेंस है, घनी है, उसका घनत्व या डेंसिटी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर टू, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस विथ रेस्पेक्ट टू मीथेन गैस। ये क्वेश्चन आ गया, हो जाएगा ठीक है। वेपर डेंसिटी आपको निकालनी है सल्फर ट्राइऑक्साइड की विथ रेस्पेक्ट टू मीथेन गैस। कैसे निकालेंगे ना, निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मीथेन गैस। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना हो जाएगा, 32 और 16 × 3 = 48, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 80, ये आ जाएगा 12 और ये 4 कितना आ जाएगा 16 है ना, और ये 5 आ जाएगा। सो वेपर डेंसिटी ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस विथ रेस्पेक्ट टू मीथेन गैस इज 5। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 7.5 लीटर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस एट एसटीपी वेज 16 grams, वॉट इज द वेपर डेंसिटी, वॉट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 7.5 लीटर कोई गैस है एसटीपी पे जिसका मास कितना है 16 ग्राम, तो मुझे वेपर डेंसिटी निकालनी है उस गैस की। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमेशा पहले डेटा लिखो, फिर वहां से शुरू करो जो क्वेश्चन में पूछा हो। पूछा गया है वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है, वेपर डेंसिटी गैस की कैसे निकलेगी, डेटा मैंने लिख दिया, वेपर डेंसिटी कैसे निकलेगी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी निकले इसके लिए मुझे मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे आएगा, अब उसकी तलाश में निकलो। वेपर डेंसिटी पूछा, वो लिखा, पता चला वो तब निकलेगा जब एम आएगा, एम कैसे आएगा अब मैं वो सोचूंगा। तो क्वेश्चन में ऐसे अप्रोच करना चाहिए, क्वेश्चन दिया हो पहले उसका डेटा लिखिए, फिर वहां से शुरू पकड़िए जो चीज आपसे पूछी गई हो, वो जरूर किसी और चीज पर डिपेंड कर रही होगी। उस चीज को निकालने के लिए आप डेटा जरूर क्वेश्चन में दिया होगा, है ना, आप उस डेटा से ये निकाल लेंगे, ये आ जाएगा। अब देख रहा हूं यहाँ पे वॉल्यूम है और मास है, वॉल्यूम किसी गैस का और मास किसी गैस का दोनों मोल्स में से रिलेटेड है। आप जानते हो कि वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 मोल्स हो जाता है। किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर एसटीपी पे हो उसको 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे तो मोल हो जाएगा। मास को मोल में कैसे करते हैं, मास डिवाइड बाय क्या, मॉलिक्यूलर मास। अब उसी सैंपल का मास 16 ग्राम में और वॉल्यूम कितना है 7.5 लीटर है, ठीक है, तो 16 ग्राम जो गैस है उसके मोल्स और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम से निकला हुआ मोल से, दोनों सेम होंगे। ये अप्रोक्सीमेटली 3 से चला जाएगा, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 × 3 = 48 आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि ये गैस जिसकी वेपर डेंसिटी निकालनी थी, वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस इज है ना 48 डिवाइड बाई 2 दैट इज 24। डेंसिटी के कॉन्सेप्ट पे मैं एक क्वेश्चन और करना चाहता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ
द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1.88 हैविंग 62% by weight of an acid full stop. आगे क्या है? It is to be diluted to specific gravity. It is to be diluted to specific gravity of 1.22. What volume of water should be added to 100 ml of this solution? तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं. The specific gravity of a solution is 1.8. एक सॉल्यूशन है ना जिसका जिसकी स्पेसिफिक ये एक सॉल्यूशन है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना 1.8 है. तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली डेंसिटी होता है. इसकी डेंसिटी 1.8 ग्राम पर एमएल है. इसमें 62% बाई वेट एसिड है. ठीक है, बाई वेट एसिड है. अब देखिए ये जो डेटा दिया है ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है. ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों. इट इज टू बी डाइल्यूटेड. अब मुझे इसमें पानी मिलाना है. ठीक है, पानी मिला लेंगे. ठीक है, पानी की डेंसिटी पूरी दुनिया को पता है 1 ग्राम पर ml होती है. ठीक है, और ये डेंसिटी 1 है सॉल्यूशन की, ये डेंसिटी है पानी. दोनों को मिलाकर मुझे एक तीसरा सॉल्यूशन बनाना है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज टू बी डाइल्यूटेड टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.2. यानी हम चाहते हैं कि इसकी डाइल्यूट होके स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 यानी 1.2 ग्राम पर एमएल रह जाए. ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 100 एमएल ऑफ दिस सॉल्यूशन. तो कह रहा है कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर का, मैंने माना वी, ऐड किया जाए. इनिशियल वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 100 एमएल में, ताकि ना मुझे फाइनल जो मिले उसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर एमएल हो. ठीक है, फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 100 प्लस वी एमएल हो जाएगा. ठीक है, अब मैं क्या कह सकता हूं, यहां अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना. देखो, वॉल्यूम डेंसिटी दिया हुआ है. ठीक है, और मुझे इसका वी निकालना है. मैं इनको कनेक्ट कर सकता हूं एक इक्वेशन से. कैसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा सकता हूं. यहां का टोटल मास प्लस यहां का टोटल मास इज इक्वल टू यहां का टोटल मास होना चाहिए. यहां का टोटल मास प्लस यहां का टोटल मास शुड बी इक्वल टू इस सॉल्यूशन का टोटल मास, क्योंकि मास कंजर्व्ड है. सिंस हमें टोटल मास चाहिए, तो उसमें कितना परसेंट एसिड मिला हुआ है क्या फर्क पैदा करता है, कितना परसेंट एसिड है उससे क्या मतलब है. ठीक है, हमको तो टोटल मास चाहिए, उसमें कितना परसेंट एसिड है, कितना पानी है, दैट इज इमटेरियल. ठीक है, यहां कितना मास है, मास कैसे निकलेगा. तो आप जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास आ जाएगा. तो यहां वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर लीजिए, यानी ये हो जाएगा 1.8 इंटू 100 प्लस 1 इंटू वी इज इक्वल टू 1.2 इंटू 100 प्लस वी, ऐसे आ जाएगा. ठीक है, 1.8 इंटू 100 प्लस 1 इंटू वी, 1.2 इंटू 100 प्लस वी, ऐसे आ गया. ये आ जाएगा 180 प्लस वी इज इक्वल टू 120 प्लस 0.1.2 वी. इस 120 को इधर घटा दीजिए, इस v को यहां घटा दीजिए, क्या लिख सकते हैं, है ना, v को मैंने इधर घटाया तो यहां लिख रहा हूं 0.2v is equals to 120 को उससे घटाया तो कितना आ जाएगा ये 60. v is equals to 60 upon 0.2, that is 600 by 2, that is 300 ml. ठीक है, तो मैंने सीखा कि 300 ml पानी जब मैं मिलाऊंगा तो उसकी डेंसिटी 1.8 से घटकर कितनी हो जाएगी, 1.2 हो जाएगी. ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का कितना परसेंट है. तो बहुत आसान है, जैसे मान लीजिए मीथेन में कहूं कार्बन कितना परसेंट, तो आप निकाल सकते हैं. ठीक है, आप कार्बन निकाल सकते हैं. कार्बन 12 है, ये 4 है, कार्बन का मास 12 amu है बाय
टोटल मास कितना आ जाएगा, 1 into 4 16, 16 आ जाएगा, 16 into 100। मैं कह सकता हूं कि मीथेन में कार्बन का जो परसेंटेज है ना, वो 75% है, 75%। तो ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो गया। इस तरह से सब चीजों का परसेंटेज निकाल जाता है। ऐसे हाइड्रोजन का भी अगर कोई पूछे कि हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज होगा, तो आप बोलेंगे 1 into 4, 1 into 4 बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 16 into 100, दैट टर्न्स आउट टू बी है ना 25%। ठीक है, ये 25% आ जाएगा। ठीक है, आइए इस चीज पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन ये कहता है कि है ना, कैल्शियम और ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज होगा कैल्शियम कार्बोनेट में। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है आज का, इस लेक्चर का। आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, कैल्शियम का परसेंटेज कैसे आएगा, कैल्शियम का परसेंटेज हो जाएगा कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 mu बाय टोटल मास। टोटल मास कैसे आएगा, कैल्शियम 40, कार्बन 12, 16 3s 48, कितना आ जाएगा ये 100 into 100, सो दिस इज लाइक 40%। ऐसी कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड, तो आप कहेंगे 16 3s 48 डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय टोटल वेट ऑफ द कंपाउंड इनटू 100 इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 48%। तो ये इस तरह से आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ कंपाउंड ऑफ सोडियम, अ कंपाउंड ऑफ सोडियम कंटेन्स 11.5% सोडियम, फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड, ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, आइए सीखते हैं। कहा जा रहा है एक कंपाउंड है जिसमें सोडियम है और सोडियम का परसेंटेज 11.5 है, और यह भी कहा जा रहा है कि आपको मॉलिक्यूलर वेट उस कंपाउंड का निकालना है, लेकिन एक शर्त है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है आप निकालिए वो मिनिमम हो। ठीक है, मान लेते हैं कि उस कंपाउंड में एन सोडियम है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन था, वैसे ही मैंने माना कि जो कंपाउंड है ना, उस कंपाउंड में एन सोडियम, मान लीजिए कुछ ऐसा कंपाउंड है, एन सोडियम है। इस कंपाउंड का टोटल मॉलिक्यूलर वेट एम मान लीजिए, और सोडियम का वेट कितना हो जाएगा, 23 into n हो जाएगा। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, तो अगर आप सोडियम का परसेंटेज जो कि क्या है 11.5% है, वो अगर निकालेंगे आमतौर पर निकालते तो क्या निकालते, वेट ऑफ सोडियम 23 into n बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द होल कंपाउंड into 100, ऐसे लिखते। इसको उधर भेज दीजिए, आप क्या लिख सकते हैं, 11.5 into मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू 23 into n into 100, 23 into n into 100, ऐसे लिख सकते हैं। अब होता क्या है, आप अगर आप क्वेश्चन में दिया कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना, यानी मॉलिक्यूलर मास अगर तुम चाहते हो कि मिनिमम रहे, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या करना पड़ेगा, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ सोडियम जो है वो भी मिनिमम होगा, तभी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आएगा। क्वेश्चन में मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का है, ये मिनिमम तब होगा जब एन मिनिमम होगा। अब कोई कह सकता है सर एन मिनिमम 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो फिर उसमें सोडियम ही नहीं, इससे एन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो अगर आप इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं और आप अगर ये लिखते हैं कि ये मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम है, तो आप इतना समझ लीजिए आपको एन की वैल्यू फिर 1 रखनी होगी, यानी 23 into 1 into 100। ठीक है, दिस कैंसल्स आउट, 2 हो गया, मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम कितना हो जाएगा, 200 मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे दूसरा क्वेश्चन था, तो ये टॉपिक भी खत्म होता है।
आज मैंने आपको पहला पहला जो टॉपिक बताया वो कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी बताया है ना, सेकंड टॉपिक मैंने बताया परसेंटेज कॉम्पोजिशन, आज का इस लेक्चर का और इवन मोल कॉन्सेप्ट सेक्शन का जो लास्ट टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। कैलकुलेशन ऑफ ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला, आइए सीखते हैं। मान लीजिए एक कंपाउंड है ग्लूकोज, ग्लूकोज का आप सभी फॉर्मूला जानते हैं C6H12O6। इसी फॉर्मूले को अगर आप सबसे सिंपलेस्ट वे में जब लिखते हैं तो उसे एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, 6:12:6:1:2:1, दैट मींस कार्बन CH2O, ये इसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप एम्पेरिकल वेट निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 12 + 2 + 16, कितना आ जाएगा 30, और मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा इसका, आप कैलकुलेटर 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6, ये चीज निकल के आएगी 180, ठीक है 180। अब आप देख सकते हैं कि n आप एक चीज डिफाइन कर सकते हैं जो मॉलिक्यूलर वेट और एम्पेरिकल वेट का रेशियो है, ये कितना आ रहा है 180/30, दैट इज 6। अच्छा अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट और एम्पेरिकल वेट पता हो तो ये इससे ये जितना गुना भारी होगा, ये इसका ये जितना गुना होगा उतना ही ये इसका उतना ही गुना ये होगा, यानी इसका ये 6 टाइम्स करेंगे तो वो आ जाएगा। ये तो मैंने आपको इसका ताना बाना समझाया कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज एम्पिरिकल वेट, व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट। अब मुद्दे की बात कीजिए, यही तो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप तभी निकाल पाएंगे जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल पाएंगे, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला या तो क्वेश्चन में दिया रहता है या आपको उसको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, कैलकुलेट करना होता है, दो बातें होती है। खैर जब भी चाहे दिया हो चाहे कैलकुलेट करना हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आ ही जाएगा, ठीक है। अगर दिया होगा तो हम उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, अगर नहीं दिया है तो हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे ये भी मैं आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर पता चल जाएगा तो आप एम्पिरिकल वेट तो कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, एम्पिरिकल वेट इज कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट अक्सर क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। अगर नहीं दिया रहता है तो वेपर डेंसिटी दी रहती है, तो वेपर डेंसिटी को दो गुना करके भी आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर दिया रहता है, तो ये दिया होगा ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, आप बड़े आसानी से एन कैलकुलेट कर लेंगे। एन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। एन जैसे ही आएगा आप एम्पेरिकल फॉर्मूला में एन मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाएगा क्वेश्चन में, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला या तो दिया होगा या आपको कैलकुलेट करना होगा, अगर दिया है या कैलकुलेट करना है जो भी है, ये अगर पता चल जाता है तो ये निकाल लीजिए, ये क्वेश्चन में अक्सर दिया रहता है, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा एन आ जाएगा। एन जितना आएगा ये जितना भी होगा उसमें एन मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, आइए पहले ये वाला केस देखते हैं कि अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है तो आप कैसे क्वेश्चन को करते हैं, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। बेंजीन हैज एम्पेरिकल फॉर्मूला CH, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 78। तो इस क्वेश्चन में एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर दिया हुआ है CH है तो एम्पेरिकल वेट तुरंत आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 + 1, कितना 13। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट दिया है कितना है 78 है, एन कितना आ जाएगा 78/13, दैट इज व्हाट 6, आप इसमें 6 मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा,
CH होल सिक्स, दैट इज C6H6। ठीक है, तो ये एक आस्पेक्ट हुआ कि एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है तो क्या करना है। लेकिन कभी कभी ये भी समस्या आती, दिया नहीं होता है आपको, वो कैलकुलेट करना होता है। तो हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला ये भी सीखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, अक्सर एम्पेरिकल फॉर्मूला कॉम्पोजिशन से कैलकुलेट होता है। जैसे अगर कोई कहता है कि कार्बन का परसेंटेज 75% है और हाइड्रोजन का परसेंटेज 25% है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालिए। तो कई बार किताबों में डायरेक्ट लिखा रहता है कि परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन इसके पीछे कारण है, बिना मतलब डिवाइड नहीं करते हम। अगर कंपाउंड में ये परसेंटेज है तो हम टोटल मास 100 मान लेते हैं, और अगर टोटल मास 100 है तो कार्बन का मास 75 ग्राम होगा और मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास मोल होता है, यानी कार्बन के 6.25 मोल्स लग रहे हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने मोल लग रहे हैं, 25 मोल लग रहे हैं। फिर ये किताबों में लिखा रहता है या बुक्स में लिखा रहता है कि पहले परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए, फिर जो आए सबसे छोटा नंबर उससे सबको डिवाइड कर लीजिए। छोटे नंबर से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि अगर इसका 6.25 मोल्स इसके 25 मोल से रिएक्ट कर रहा है तो इसका एक मोल इसके 25/6.25 से रिएक्ट करेगा। तो सिंपल रेशियो में लाने के लिए कि सबसे छोटी चीज को वन ले लेते हैं, तो इसको इसको कहते कहते कैसे हैं, इनडायरेक्टली कह देते हैं क्या, सबसे छोटे नंबर से सबको डिवाइड कर दो, यानी 6.25 डिवाइड बाय 6.25, 6.25 डिवाइड बाय 6.25, 25 डिवाइड बाय 6.25, है ना, ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 4, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हो गया, CH4 हो गया। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH4 हो गया। अच्छा, ध्यान देने की जरूरत है, कभी कभी यहां पे भी चीजें फ्रैक्शनल आ जाती है, मान लीजिए 1.5 आ गया, क्या करेंगे, तो फिर आप एक स्टेप और को वो मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करिए ताकि ये होल नंबर हो जाए, ठीक है। तो पक्का वही चीज रेशियो मेंटेन करने के यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला C3H8 हो जाता अगर ये 1.5 आता। खैर यहां पे ये केस नहीं, यहां पे तो है ना चीजें 1 और 4 ही हैं, ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऐसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन इस चीज को भी क्लियर कर देगा। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव फॉलोइंग कॉम्पोजिशन। क्या कॉम्पोजिशन है, कार्बन इज 40.684%, हाइड्रोजन इज 5.085%, ऑक्सीजन इज 54.228%। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 118। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, आइए सीखते हैं, है ना। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये वो वाला केस है जहां पे एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन नहीं है, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या करना होगा, इस डेटा से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा। आइए जैसे कैलकुलेट किया था वैसे करते हैं। कार्बन कितना, 40.684, हाइड्रोजन कितना, 5.085, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन जो है वो 54.228%। इसको 12 से डिवाइड कीजिए, इसको 1 से डिवाइड कीजिए, इसको 16 से डिवाइड कीजिए, ये चीज निकल के आएगी 3.39, ये आएगा 5.085 और ये आ जाएगा 3.38। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, सबसे छोटे नंबर से सारे लोगों को डिवाइड कीजिए, यानी 3.39 बाय 3.38, 5.085 बाय 3.38, 3.38 बाय 3.38, ठीक है, ये चीज आएगी 1, अप्रोक्सीमेटली 1, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.5, दिस इज 1।
अगेन इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थ्री हो जाएगा, इसमें भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे मिल गया क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, C2H3O2। एम्पेरिकल वेट कितना हो जाएगा, मैंने कहा था एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन हो चाहे कैलकुलेट करना पड़े मिल तो जाता ही है, आप यहां से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म एम्पेरिकल वेट निकाल सकते हैं, 12 दुनी 24, 24 + 3 + 16 2 32, 5 4 9 59, एम्पेरिकल वेट 59 है। मॉलिक्यूलर वेट इस क्वेश्चन में दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट है 118, ठीक है 118, तो मॉलिक्यूलर वेट 118 आ गया, तो आप एन कैलकुलेट कर सकते हैं, एन क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट 59 कितना आ जाएगा, 2 2 आ गया एन, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस गिवन एम्पेरिकल फॉर्मूला जो कि C2H3O2 है इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा C4H3H6O4, ये आपका आंसर है C4H6O4, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो भी आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल वेट आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करके एन निकालेंगे, इसमें एन मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, अगर नहीं दिया है तो आप परसेंटेज से निकालना जानते हैं, रेस्पेक्टिव परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए, ऐसा क्यों करते हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो भी वैल्यूज आती है उसमें सबसे छोटी वैल्यू से सबको डिवाइड कर दीजिए, फिर अगर उसमें कोई फ्रैक्शन है तो एक मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करिए ताकि वो एक होल नंबर में आ जाए, रेशियो मेंटेन करने के लिए सबको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या सीखा, इस लेक्चर में मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी बताया, जिसमें मैंने बताया कि जो डेंसिटी है वो दो तरह की होती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी दो तरह की होती है, वेपर डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैंने आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना सिखाया, हम लोगों ने फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेशन सीखा, मैंने ये भी बताया कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, मैं मोल कॉन्सेप्ट के जो सेक्शन है उसको मैंने हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम एक नया सेक्शन शुरू करते हैं, चैप्टर वही रहेगा, चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री ही रहेगा, लेकिन हम एक नया सब सेक्शन शुरू करेंगे स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, जिसमें मैं 3 लेक्चर लूंगा और आपको यूनिटरी मेथड, मोल मोल एनालिसिस, पीओएसी मेथड और क्या लिमिटिंग रिएजेंट मेथड सिखाऊंगा, आप केमिकल कैलकुलेशन इजीली कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।